ओके, तो लेक्चर वन में हमने डोमेन के बारे में बात किया था। लेक्चर टू है ये, हम स्टार्ट करेंगे रेंज के बारे में। ओके, रेंज क्या होता है और कुछ और सिंपल टॉपिक कवर करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं हेडलाइन पहले दे देता हूँ। दिस इज़ अ लेक्चर टू ऑन फंक्शन। सो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैम का जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स का आता है एवरी ईयर, उसको कवर करता है ये सब, ठीक है। तो 10 से 12 मार्क्स जैम में बहुत होते हैं, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे मैं बोलूँगा कि हल्के में ला लिया जाए। ओके, नाउ रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि हमने डोमेन पढ़ा था कि जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, जिसके लिए हमें एफेक्ट का कुछ वैल्यू मिल जाता है, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी वो एफेक्ट जो है वो डिफाइन होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देता हो, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी छोड़ के, तो उस सारी वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन। अब वो जो सारी वैल्यूज जनरेट हुई हैं एफेक्ट्स की, एक्स के वैल्यू डालने सब्सटीट्यूट करने पे जो भी वैल्यूज जनरेट हुई हैं, उनको कहा जाता है रेंज, ठीक है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बात करूँ, तो सेट ऑफ ऑल ऑब्टेंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कि सपोज एफ ऑफ एक्स, सपोज एक्स है, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स से सपोज एक्स स्क्वायर रखता हूँ अलग अलग आने के लिए, तो अगर एक्स के पे मैंने 1 रखा तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1। एक्स के पे 2 रखा तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 4। ऐसे एफ ऑफ 1.1 रखा तो आएगा 1.2, ऐसे 1.1 बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। तो ये तो सब डोमेन में आ गए, एक्स के वैल्यूज हैं, और ये जो भी जनरेट होगा, इन जितने भी वैल्यूज जनरेट होंगे, ये आते हैं रेंज सेट में, ठीक है। ये आते हैं उसके रेंज में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा फंडा है रेंज का, कि रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज कैसे फाइंड किया जाता है डिफरेंस फंक्शंस का, वो हम सीखेंगे, बट जनरली रेंज क्या होता है पहले हम वो सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ग्राफिकली अगर बात किया जाए, अगर मैं ग्राफिकली डोमेन क्या होता था, ग्राफिकली डोमेन होता था द पोर्शन कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी पोर्शन कवर करता था हमारा एफ ऑफ एक्स का जो भी कर्व है, तो रेंज होगा जो कि वाई एक्सिस पे जो भी पोर्शन कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज एक ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, एक कर्व है, तो सपोज ये पॉइंट है मेरा 0.1 और ये इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। सपोज ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे ओपन सर्कल है। आपको ओपन और क्लोज का मतलब हमने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है। ओपन सर्कल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं एक्स की, यहाँ पे सपोज जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, सपोज 1 है, 0 है, तो 1 जो है वो उसके डोमेन में नहीं है, वो कंसिडर्ड नहीं किया गया है। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की अगर मैं बात करूँ, तो वो यहाँ पे क्लोज है और इनसे एंटर नहीं जा रहा, सपोज क्लोज है और ये वैल्यू है 6, ठीक है। तो इसके डोमेन की अगर हम बात करें, तो डोमेन के लिए हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक पोर्शन कवर हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो रहा है, 0 से लेके 1 तक। तो 0 इंक्लूडेड है, क्यों, डार्क सर्कल है, तो यस इंक्लूडेड है। तो अगर मैं डोमेन, अगर सपोज ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है, तो डोमेन ऑफ एफ की बात करूँ, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा 0 पे, ठीक है, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा 1 पे, क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, ये तो डोमेन हो गया। अभी हमने रेंज सीखा, तो रेंज भी देख लेते हैं, रेंज क्या होना चाहिए। रेंज के लिए हमें देखना है कि ये जो कर्व है वो वाई एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर करता है। तो वाई एक्सिस पे भी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि 1 है, और डार्क सर्कल है तो मतलब वो इंक्लूडेड है, और जहाँ कहाँ रहा है मैक्सिमम 6 तक, बट ओपन सर्कल है, तो 6 पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये उसका रेंज है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था ये, और दो तीन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे सपोज ये, सपोज ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये कर्व है, सपोज 0.-2 पे कट कर रहा है, सपोज ये सपोज 1.0 है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, इसका कोई स्टॉपेबल नहीं है, और यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई स्टॉप नहीं है, ठीक है। ओके, तो
अगर ऐसा है तो अगर इसमें इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो डोमेन पहले देखते हैं। डोमेन के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना पोर्शन कवर हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे आप ये नहीं बोल देना कि ये जीरो से लेके वन तक कवर कर रहा है, नहीं, क्योंकि हमारा ग्राफ इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में इन्फिनिटी तक कवर करेगा और ये एक्स एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी तक कवर करेगा। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में इनडायरेक्टली हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है इन्फिनिटी। तो इस डायरेक्शन में जो कर्व है एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस पे वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हो गया उसका डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करूँ सिमिलरली, तो वाई एक्सिस पे देखेंगे कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो मैं बोला कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये ऊपर इन्फाइनाइट तक जा रहा होगा और नीचे ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा वाई एक्सिस पे। तो अगेन डोमेन भी क्या है इसका, रेंज भी क्या है इसका, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यू कैन सी विच इज़ अ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर का डोमेन और रेंज दोनों सेम है इसका, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक वी कैन टेक इज, वी कैन सी असिम्प्टोट आता है एक टॉपिक, असिम्प्टोट, ठीक है। असिम्प्टोट तो क्या होता है, असिम्प्टोट की बात करते हैं। असिम्प्टोट कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। पहली बार मैं लिख देता हूँ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होता है, इट एग्जिस्ट, यहाँ पे कंडीशन क्या है, इट एग्जिस्ट, इट कैन एग्जिस्ट और इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ओके। इफ एग्जिस्ट विच इज टुवर्ड्स द कर्व एंड अप्रोचेस टू इन डेफिनेटली इंडेफिनेटली, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। एक पहली बात तो मैं बोलूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि कर्व, कोई भी जो कर्व है, जो फंक्शन का कोई भी ग्राफ बनेगा उसके पैरेलल होना चाहिए, और इनडेफिनेटली मतलब वो इनफाइनाइट तक उसको अप्रोच करना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, सपोज ये मेरा कर्व बन रहा है, ठीक है, ये कर्व है ऐसा, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस ये कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या होगा, इसके इसके टच नहीं होगा और उसके साथ साथ चलते रहेगा इन्फाइनाइट। तो हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं कि यस द असिम्प्टोट ऑफ, सपोज ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, तो एफ ऑफ एक्स का जो असिम्प्टोट है वो यहाँ पे वो है वाई एक्सिस है, ठीक है, जो कि इन्फाइनाइट तक कर्व के साथ चलता रहेगा। ये नहीं है क्योंकि ये तो कर्व जो वो बेंड होते रहेगा, तो इसके पैरेलल में कोई हमें लाइन नहीं दिखेगा, इसके में हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ असिम्प्टोट, बहुत सिंपल है। जनरली इसके पे क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट यू हैव टू नो व्हाट इज एन असिम्प्टोट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन सी रूट। रूट क्या होते हैं, रूट जैसे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका रूट क्या होगा, इसका रूट वो होगा, ठीक है, रूट वो होगा जिसके लिए जो एफ वाई का वैल्यू हो जीरो आता हो, वो सारे एक्स के वैल्यूज जिसके लिए वाई का वैल्यू क्या आता हो जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स माइनस वन की बात करूँ, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे रूट क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन, जिसके लिए वाई क्या हो रहा है जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन इज अ रूट। ये हो गया थियोरेटिकली। अगर ग्राफिकली मैं बात करूँ तो सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जीरो है, तो वो वैल्यूज जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स को कट करता हो एक बार, ठीक है, जब जब भी कोई कर्व एक्स को कट करता है तो वो उसका रूट हो जाता है। अगर ये सपोज ये कट किया है सपोज 1,0 पे, तो 1,0 इस कर्व का कुछ भी कर्व वो एक रूट है। सपोज इसने अगर यहाँ से बेंड होकर एक बार और कट कर दिया होता 2,0 पे, तो 2,0 भी इसका रूट होता। इसके बीच में ये जो वैल्यूज है 1.1, 1.2, वो उसके रूट्स नहीं है, बिकॉज कर्व इनमें कहीं कट नहीं कर रहा है, कर्व सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ऐसे जितने पॉइंट्स भी कर्व कट करेगा उनको कहा जाता है रूट्स, ओके। तो बहुत ही सिंपल से है, इसके लिए भी वाई का वैल्यू जीरो जाता हो, जिस क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो भी रहेगा उसके लिए वाई का वैल्यू जीरो ही रहेगा, तो उनको ही कहा जाता है रूट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट्स। बहुत ही सिंपल चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये, जो कि बाद में अगर आपको नहीं पता है बेसिक इनका, तो बाद में बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो
बहुत ही सिंपल चीज़ से छोटा सा लेक्चर था, ये क्लियर हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ आगे के. सो थैंक फॉर वॉचिंग. इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट. ठीक है, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए उसको. ठीक, थैंक यू.